सर शादी में बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा सर, सर वो सर सर खोल के देख सकते हैं, प्लीज। हां ठीक है, जी हां सर, हां हां ठीक है ठीक है। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, लड़की लड़की, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। शादी की तैयारी, गाने बज रहे हैं, वधू पक्ष की तैयारी चल रही है, तमाम मेहमान आ चुके हैं, बस बैंड बाजा और बारात का इंतजार है। पर बेगानी शादी में ये दीवाने अब्दुल्ला कौन है? खाकी वर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों बैंक्वेट हॉल का चक्कर लगा रहे हैं? क्यों हर रूम में जाकर तलाशी कर रहे हैं? दरअसल ये वायरल वीडियो पटना के एक बैंक्वेट हॉल का है। शादी समारोह में शराब की खोज के लिए पुलिस पहुंची है। नीतीश सरकार की पुलिस शराबबंदी में शादियों में शराब तलाश रही है। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, लड़की लड़की, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं, इधर से सोमवार को पटना के कृष्णा नगर इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में अचानक पुलिस धमक गई और तलाशी लेने लगी। पुलिस को देख लड़की पक्ष के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश है। खबर है कि शादी समारोह में जाम का दौर चलता है, वर्दी देख अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, फिर लड़की वाले की क्या बिसात, उन्होंने पूरा सहयोग किया। दुल्हन का कमरा तक दिखाया, हर अलमारी की तलाशी ली गई, हर गेस्ट से सवाल जवाब किया गया। ये आप हैं इसमें कहाँ कहाँ का हुआ? हम तो दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से हैं। शराब नाब नहीं ना पीते हैं? तो पंडित है सगा, कहें कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना? और फिर पुलिस ये कहते हुए बैरंग लौट गई कि लड़की वाले पक्ष तो शराब से दूर रहते हैं, सब बारातियों में होता है। लड़की पक्ष तो नहीं रहता है, तो हम लोग भी जाने रहे हैं, लेकिन अब ऊपर से आदेश है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बाराती लोग पी के भी आ रहा है। लड़की वाले क्या कहे, वर पक्ष क्या सुनाए, पुलिस का खौफ है, बेटे बेटी की शादी है। लेकिन वायरल वीडियो पर विपक्ष तिल मिला गया। आरजेडी ने सवाल किया कि आखिर ये क्या तरीका है, न महिला पुलिस और दुल्हन की कमरे तक की तलाशी, ऐसी मुस्तैदी तो दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में भी पुलिस नहीं दिखाती। असली मुजरिम पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हन तो जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो, जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर बिहार में पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, छापेमारी कर रही है, दुल्हन के कमरे में जाकर के छापेमारी कर रही है बिना लेडी कांस्टेबल के, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, किस नियम कानून के तहत ये हो रहा है? ये शराबबंदी के नाम पर नौटंकी बंद करें, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस वर्दी पहन करके जो गुंडागर्दी कर रही है, इतनी तत्परता से तो अपराधियों को पकड़ने में ऊर्जा नहीं लगाती है।
मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो जानकारी न होने की बात कही और फिर कहा कि शराबबंदी का पालन तो सभी को करना ही चाहिए। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। पटना में शादी समारोह में शराब के इस्तेमाल के मामले खूब आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शास्त्री नगर के एक होटल से शराब के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कंकड़बाग के एक होटल में शराब के साथ दिल्ली से आए इंजीनियर भी पकड़े गए। तो पुलिस की नजर अब हर उस जगह पर है जहां बैंड बाजा और बारात पहुंच रही है। राजकुमार झा, पटना, आज तक। शराब तो सिर्फ बिहार में ना बैन है, बाकी जगह तो ओपन है ना, बाकी जगह तो ओपन है ना, दूसरे जगह से तो आप आसानी से मिल जाएगी ना। सबसे ज्यादा